नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम भाटी स्वागत करता हूं आपका बीआरपी क्लासेस में। ये जो वीडियो है 8 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर्स हैं। फ्रेंड्स, जो मैं ये करंट अफेयर्स बनाता हूं वो 4 से 5 वेबसाइट्स का कॉम्बिनेशन है। और 2014-15 में एसबी और एसबीबीजे का एग्ज़ाम भी मैंने इसी तरह करंट अफेयर की तैयारी की तो इसी तरह क्लियर किया था। दोनों एग्ज़ाम मेरे क्लियर हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सिर्फ ये अगर करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो आप बैंक के एसएससी में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 8 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर्स हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी मेथड वापस एडॉप्ट कर लिया। पहले ये करते थे, जो मेथड यूज़ वो था जीवीए मेथड। जीवीए मेथड जो था वो बेस किस पे बेसिस था, वो था जो प्रोड्यूसर जो माल बनाते हैं उसके ऊपर। पर जो इंटरनेशनली जो मेथड यूज़ होते हैं वो होते हैं जीडीपी मेथड, जिसमें कंज्यूमर कितना यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट उसके ऊपर है। तो आरबीआई ने वापस वही मेथड यूज़ कर दिया, और जो जीवीए मेथड है ये जनवरी 2015 में इन्होंने अपनाया था, जिसे अभी वापस छोड़ दिया है। तो जीडीपी जो है वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जीडीपी कैलकुलेट करता है, और जीवीपी प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। लोक रंजन, ये लोक रंजन कौन है? लोक रंजन है यूनियन गवर्नमेंट्स के न्यू नॉमिनी है। जो आईसीआईसीआई बैंक में जो बोर्ड है उसमें एक गवर्नमेंट का जो होता है उसमें लोक रंजन अभी लेंगे स्थान। किसका स्थान लेंगे? वो अमित अग्रवाल का स्थान लेंगे। जो लोक रंजन है वो पहले जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। उसके बाद आते हैं निकोला पित्रेंगली। निकोला पित्रेंगली ये रशिया के हैं। लिएंडर पेस 42वीं जीत तक, मतलब लिएंडर पेस ने भी टोटल 42 मैच जीते थे डबल के, और निकोला पित्रेंगली में भी इसने भी टोटल 42 मैच जीते थे। तो दोनों टाइट चल रहे थे, पर रिसेंटली लिएंडर पेस ने अपना 43वां मैच जीत लिया चाइना के खिलाफ, और नंबर 1 बन गए हैं डबल में डेविस कप के अंदर। डेविस कप जिसे वर्ल्ड कप कहते हैं टेनिस का। वाल्मीकि और मल्हार। वाल्मीकि और मल्हार क्या, ये दो नई लैंग्वेज हैं जो डिस्कवर्ड हुई हैं। जो वाल्मीकि है वो कोरापुट, और जो मल्हार है वो भुवनेश्वर की हैं। दोनों उड़ीसा में है, यहाँ की ये लैंग्वेज डिस्कवर्ड हुई हैं। जो पंचानन मोहंती हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में प्रोफेसर, इन्होंने ये दोनों लैंग्वेज डिस्कवर्ड की हैं। फिर एक गंगा हरितिमा योजना। गंगा हरितिमा योजना जो है वो यूपी में लॉन्च हुई है। टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी जो 27 डिस्ट्रिक्ट हैं ये गंगा के किनारे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसका इनॉग्रेशन किया है, और इलाहाबाद में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। गंगा हरितिमा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रीन कवर है गंगा के आसपास उसको इंक्रीज करना, और साथ ही साथ इन्होंने एक और योजना भी की है, 1 person 1 tree, मतलब जो सिटीजन से उनको भी प्रेरित किया कि आप 1 person 1 tree लगाएं। उसके बाद बात करते हैं सिंगापुर की। जो इंडियन वुमेन टेबल टेनिस टीम है उसने गोल्ड जीत लिया सिंगापुर के खिलाफ, और भारत ने पहली बार जो है वुमेन टेबल टेनिस जीता है टीम ने। कौन कौन थे इसमें? एक तो मोमा दास और मधुरिमा पाटकर, इन दोनों ने सिंगापुर के खिलाफ ये मैच जीता है। फिर बात करते हैं केरला की। केरला न्यूज़ में था क्यों? क्योंकि केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया जिसने, अगर कोई पर्सन ब्रेन डेड है या नहीं है इसके लिए गाइडलाइन इशू की है सारे हॉस्पिटल। ये गाइडलाइन अगर फॉलो हो रही हैं तो वो पर्सन ब्रेन डेड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। केरला जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है पिनाराई विजयन, और इसके जो गवर्नर है वो है पी सदाशिवम। सहयोग हायब्लॉग 2018, ये भारत और साउथ कोरिया की जॉइंट एंटी पायरेसी सर्च एक्सरसाइज है। ये बे ऑफ बंगाल तमिलनाडु के अंदर चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो समुद्री सिक्योरिटी, उसको इम्प्रूव करना। साउथ कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल, कैपिटल सियोल, और जिसकी जो मुद्रा है वो है वॉन। फिर बात आते हैं लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। ये कौन है? ये ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। इन्होंने अभी सरेंडर कर दिया, इनके ऊपर आरोप थे करप्शन के, 12 साल की सज़ा मिली थी तब से ये फरार थे। तो अभी रिसेंटली इन्होंने, क्या नाम है, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, इन्होंने सरेंडर कर दिया। डेजर्ट टाइगर फाइव क्या? ये यूएई और मलेशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। यूएई इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम, और कैपिटल है अबू धाबी, और मलेशिया जिसकी करेंसी है रिंगिट। यस, मलेशिया की करेंसी है रिंगिट और कैपिटल है कुआला लंपुर। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2018, ये चेन्नई में होगा, ये अभी हुआ नहीं है, 11 अप्रैल से शुरू होगा ये, जिसको नरेंद्र मोदी इनोग्रेट करेंगे। इसमें लैंड, नेवल और होमलैंड पे सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह से हो, 80 देश होंगे जो इसमें अपना अपना ये प्रदर्शन करेंगे सिक्योरिटी सिस्टम का। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जनरली जो ये मिल्क का बिजनेस करते हैं वो यूज़ करते हैं। इसमें इंजेक्शन लगाने के बाद गाय जनरली क्या दूध अपना थोड़ा सा रोक लेती है अपने बच्चे के लिए, तो पर ऑक्सीटोसिन लगाने के बाद उसके जो
स्तन की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और दूध को रोक नहीं पाते, सारा का सारा दूध बाहर आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लाइव स्टॉक जो बिजनेस है उसमें। तो इसको अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इसका इम्पोर्ट नहीं होगा। आई सी आई सी आई बैंक फर्स्ट बैंक है जिसने स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेशनली अगर क्रॉस बॉर्डर अगर पैसा भेजना हो तो ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन है उसमें ये इसने अपना लिया स्विफ्ट सिस्टम। और ICICI बैंक अभी बहुत चर्चा में रहा है, चंदा कोचर इसकी हेड और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अनुष्का शर्मा जिन्होंने MH10, फिलोरी और परी ये तीनों फिल्में प्रोड्यूस की हैं एज अ प्रोड्यूसर, तो इन्हें दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहा है, इन्होंने फिल्मों में कॉन्ट्रीब्यूशन किया एज अ प्रोड्यूसर। अब जो ये दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड है इसमें देते क्या, इसमें गोल्डन लॉटस देते हैं, एक सोने का कमल का फूल, 10 लाख रुपये कैश और शॉल देते हैं। जो दादा साहब फाल्के की फर्स्ट विनर थी वो थी देविका रानी, जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इनकी जो मूवी थी कर्मा, जो फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी, वो 1933 में एक मूवी आई थी और ये फर्स्ट मूवी थी जिसमें ऑन स्क्रीन किस सीन था, इससे पहले कभी किस सीन ऑन स्क्रीन हुए नहीं थे। रणवीर सिंह को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा इसमें दादा साहब फाल्के एक्सीलेंट अवार्ड में। फिर बात करते हैं विकास ठाकुर को 94 kg में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पूनम यादव को 69 kg वेट लिफ्टिंग में वुमेन गोल्ड मिला है। रवि कुमार शूटर हैं, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मानस नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में था, क्यों था, क्योंकि मानस नेशनल पार्क में असम स्प्रिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था लोकल फूड और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। मानस नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये आगे जाते हुए असम से फिर ये भूटान में चला जाता है और वहाँ इसका नाम हो जाता है रॉयल मानस नेशनल पार्क। भूटान जिसकी राजधानी है थिम्पू और जिसकी जो करेंसी है वो है नेगलट्रम। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे करेंसी कैपिटल, तो अगर एग्जाम में इस तरह कोई क्वेश्चन है तो आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन जो बिहार में, इसको अभी पूरी तरीके से मिथिला पेंटिंग में कन्वर्ट कर दिया, मिथिला पेंटिंग की गई पूरे स्टेशन पर इंडियन रेलवे के सहयोग से और वॉलंटरी सबको आमंत्रित किया गया, अपना अपने इच्छा से वो सहयोग कर सकते, सबने मिथिला पेंटिंग की और पूरे मधुबनी रेलवे स्टेशन को मिथिला पेंटिंग से रंगा गया। तो फ्रेंड्स ये थे 8 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर, इसी तरीके से आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट्स ले सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो मेरे चैनल पर डेली एक एडिटोरियल एनालिसिस सुबह होता है और इवनिंग में करंट अफेयर होता है, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे RAS IAS SSC बैंक एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन में, और जो एडिटोरियल वाला है वो इंग्लिश सेक्शन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं पैकअप करता हूँ। जय हिंद।